वीडियो में आप देख पा रहे हैं भैया दो बोतल, एक नैनो डीएपी की देख पा रहे हैं और दूसरी नैनो यूरिया की देख पा रहे हैं। हालांकि कंपनी ने दोनों ही बना दी हैं। अब देखते हैं इसका क्या कुछ रिजल्ट रहता है, कितने परसेंट सक्सेस हो पाती है। क्योंकि नैनो यूरिया की बात करूँ तो वैज्ञानिक ये बात कह रहे हैं ठीक है, सक्सेस है, कुछ कुछ ये कह रहे हैं नहीं है, किसान भी कुछ कह रहे हैं बेस्ट है, कुछ कह रहे हैं बेस्ट नहीं है। तो आप सारे साथी कमेंट कर अपने फीडबैक जरूर दें कि नैनो यूरिया कैसी है। अभी वर्तमान समय में नैनो डीएपी मार्केट में आ गई हैं दोनों ही बोतल जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, आधे आधे लीटर की है। और नैनो यूरिया का जो अगर मैं रेट की बात करूँ तो 225 रुपये रेट है, और वहीं अगर मैं डीएपी की बात करूँ तो डीएपी वाली बोतल में अभी लिखा है नॉट फॉर सेल, यानी कि अभी तक ये डेमोस्ट्रेशन के लिए है। और अभी वर्तमान समय में लुधियाना किसान मेले में यहाँ पहुँच चुका हूँ, जहाँ काफ़ी किसान इस मेले में पहुँच के नैनो डीएपी के बारे में, यूरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो देखो अभी लगभग है पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो सकती हैं। जितनी मात्रा डीएपी हमें काम करेंगी खेत में डालने के बाद, ज़मीन में बुआई करने के बाद, उतनी ये स्प्रे के रूप में अगर हम यूज़ करें, पानी के रूप में करें, तो मुझे नहीं लग रहा उतना संभव हो पाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों का क्या फीडबैक है सारे साथी ज़रूर बताएं कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया कहाँ तक संभव हो सकती है सक्सेसफुल होने में, और कितने प्रतिशत सक्सेसफुल हो सकती है। सारे साथी कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।